देश में कोरोना वायरस के मामले में आई तेजी के बीच दिल्ली की घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है। मरकज के मौजूद रहे सैकड़ों लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे, जिनकी अब तक तलाश की जा रही है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में आई तेजी के बीच दिल्ली की घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है। मरकज में मौजूद रहे सैकड़ों लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे, जिनकी अब तलाश की जा रही है। राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मौजूद तबलीगी जमात के मरकज में कोरोना पॉजिटिव लोगों के मिलने से अफरा तफरी का माहौल है। दिल्ली सरकार के मुताबिक यहां मौजूद कुल 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, लेकिन अब सरकार के सामने एक और संकट आ पड़ा है, क्योंकि यहां मौजूद करीब 1000 लोग देश के अलग अलग इलाकों से आए थे, जो वापस चले गए हैं। ऐसे में उन सभी को खोजने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में तलाश जारी है। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के करीब 18 जिलों के लोग निजामुद्दीन स्थित मरकज में गए थे। अब यह घटना सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में आई है और लोगों की तलाश शुरू हो गई। सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस बारे में बैठक कर विचार विमर्श किया। यूपी में एजेंसियां इन लोगों की तलाश में जुट गई है। बिजनौर के नगीना में इसी में शामिल 8 धर्म प्रचारक मिले, जो कि धार्मिक स्थल पर मौजूद थे। ये प्रचारक इंडोनेशिया से आए थे और दिल्ली ओडिशा की सैर करने के बाद यहां बिजनौर पहुंचे थे। बिजनौर पुलिस ने इन सभी को अब आइसोलेशन सेंटर भेज दिया है। इसके अलावा 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रशासन ने महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। मौके पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है और हर तरीके से मामले की जांच की जा रही है। इलाके को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। बिजनौर के अलावा लखनऊ में भी इस मामले को लेकर तलाश जारी है। कोरोना वायरस धीरे धीरे अपने पांव पसारते हुए हर किसी को अपने आगोश में लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब तक के कोरोना वायरस ने हजारों लोगों को मौत की नींद भी सुला दी है। मरकज में आए लोगों की लखनऊ से असम तक हो रही है तलाश और महाराष्ट्र भी मिले हैं 10 विदेशी नागरिक, जिसमें महाराष्ट्र में खलबली मच गई है। दिल्ली के मरकज में शामिल हुए थे कई लोग, जिसे असम से आए थे 500 लोगों की हो रही है तलाश, तो वहीं महाराष्ट्र में भी 10 विदेशी नागरिक होने से महाराष्ट्र में मची है खलबली। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मेरे, इनबीसीएन न्यूज।